महेंद्र गोदारा पुसाराम जी के और अपने निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुसाराम जी गोदारा जिंदाबाद के नारे लगते हैं और महेंद्र गोदारा सबसे गले मिलकर अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं और हृदय की गहराइयों से सबका अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन ले रहे हैं। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाड़ियाँ रतनगढ़ पुसाराम जी के निवास स्थान पर पहुँच चुकी है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ, भीड़ उमड़ रही है और सबके लिए समुचित पानी, चाय और नाश्ते का जो इंतजाम है वो पहले से ही कर दिया गया था, क्योंकि इस बार का जो आंकड़ा था, जो आभास था, वो लग रहा था कि भाई पुसाराम जी गोदारा निश्चित यहाँ से चुनाव जीतेंगे और महेंद्र गोदारा जो उनके सुपुत्र है वो लोगों का अभिवादन गले मिलकर कर रहे हैं और हृदय की गहराइयों से लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने अंततः, हमने कोशिश की और हमने कर दिखाया जो हमारा जो मिशन था MLA पुसाराम गोदारा लगाना और विधानसभा में पुसाराम गोदारा को भेजना। और काफ़ी खुशी की लहर है वो पूरे रतनगढ़ में और सुजानगढ़ में यहाँ दिखाई दे रही है और कांग्रेस के पुसाराम गोदारा के घर पर काफ़ी संख्या में लोग उमड़े हैं और सब ने धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पुसाराम गोदारा का जीतना एक पूरे रतनगढ़ और सुजानगढ़ को कांग्रेस में ही कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मेघवाल सुजानगढ़ से कम अंतर से चुनाव जीते और रीकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन लगाई थी उसकी भी चर्चा चल रही है। हालांकि मनोज मेघवाल 2170 वोटों से चुनाव जीत चुके थे पहली काउंटिंग में और रतनगढ़ के पुसाराम जी के निवास स्थान पर काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और फैक्ट फाइंडर टीम भी वहाँ पहुँची हुई है और हमारे साथ यहाँ पधारे हुए अलग अलग गाँवों से लोग हैं। सर्वप्रथम तो सतीश जी से हम बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है सतीश जी आपको? बहुत, इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हो सकती। पुसाराम जी भी जीत गए और मनोज भी जीत गए, दोनों जीत गए और यही जनता की मांग थी कि दोनों जीतने चाहिए, दोनों जीतने चाहिए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक कार्यकर्ता प्रभारी मिला है पुसाराम जी गोदारा, जो रतनगढ़ विधानसभा को आगे विकास के कार्यों में बहुत आगे ले जाएंगे और एक कर्मठ और शक्तिशाली व्यक्ति है पुसाराम जी, जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बहुत पुनः नव निर्माण करेंगे। क्या कहेंगे आप पुसाराम गोदारा के बारे में? राजकुमार कनवारी, पुसाराम जी को बहुत ही बढ़िया शोक करिया, गाना भी बनाया पुसाराम जी, बढ़िया। मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पुसाराम जी, बहुत बढ़िया। आज राजस्थान में नाम है बहुत बढ़िया, गरीबों को साथ देवेगा राजस्थान के मैन। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पुसाराम जी गोदारा ने आज लगभग 29,000 कुछ वोटों से जीत दर्ज की और काफी संख्या में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ लोग उमड़े। महेंद्र गोदारा चूरू से अभी यहाँ अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं और पुसाराम जी गोदारा अभी भी रास्ते में चल रहे हैं और कुछ समय बाद में यहाँ निवास स्थान पर लोगों से जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं वो प्राप्त करेंगे और देंगे भी। महेंद्र जी गोदारा हमारे साथ हैं, जो छात्र राजनीति में भी अपना परचम दिखा चुके हैं और सुजानगढ़ तहसील और रतनगढ़ तहसील में पुसाराम जी के सुपुत्र महेंद्र का काफी परचम भी है और शांत सभाओं के धनी महेंद्र जी गोदारा हमारे साथ है। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज रतनगढ़ की आम जनता MLA बन चुकी है, इसलिए मैं हमारे परिवार को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिसने पूरे रतनगढ़ की जनता को MLA बनने का सुख प्रदान किया है। पूरी रतनगढ़ की जनता MLA बनी है, पुसाराम जी गोदारा अकेले MLA नहीं बने, क्योंकि 36 कौम के लोगों ने और रतनगढ़ की जनता ने पुसाराम जी को चुना और प्रत्येक व्यक्ति आज MLA बन गया है महेंद्र जी गोदारा का, ऐसा कहना है। आपकी अभी धर्मपत्नी से हमारी बातचीत हुई थी, वो भी काफ़ी शांत स्वभाव की धनी और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप भी राजनीति में अब कदम रखेंगी या क्या करेंगी, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे परिवार में राजनीति सिर्फ पुसाराम जी गोदारा ही करेंगे, बाकी हमारा परिवार हमेशा जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। हमारे को कोई राजनीतिक लालसा नहीं है, न हम परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कभी सोचेंगे। परिवारवाद को आगे बढ़ाने की सोच नहीं है, केवल पुसाराम जी गोदारा ही राजनीति करेंगे और हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। युवाओं की कितनी भूमिका रही इस चुनाव में? असल में तो चुनाव युवा ही लड़ते हैं, बुजुर्ग होते हैं उनका तो हमेशा आशीर्वाद रहता है, लेकिन चुनाव को एक उस स्तर पे ले जाना, हमेशा चाहे वो रैली हो, चाहे वो मीटिंगें हो, चाहे वो
पोलिंग बूथ तक मतदाता को पहुंचाना हो, चाहे उनको कैंपेनिंग हो, चाहे निशान समझाना हो। इसलिए मैं रतनगढ़ के पूरे युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बुजुर्गों के आशीर्वाद को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए ये रतनगढ़ की 30,000 की जीत में रतनगढ़ के युवा का भी एक अहम योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहनत जी गोदाला का। राम राम सा जय इन जय बात देखते रहिए फैक्ट अंतर। राम राम सा। शुरू जिले की सबसे सॉलिड जीत जो मानी जा रही थी और फैक्ट अंतर के सर्वे में हम लोगों ने पुसाराम जी गोदारा की जीत का दावा किया था और वो दावा हमारा सही निकला और बहुत अधिक संख्या में पुसाराम जी गोदारा को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पुसाराम जी के निवास स्थान रतनगढ़ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। सह परिवार आज खुशियाँ मना रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों से रतनगढ़ की जनता की सेवा करने वाला एक शख्स पुसाराम गोदारा, जिसको पूरा राजस्थान आज पूरे राजस्थान की जनता के सामने लोहा मनवाया पुसाराम गोदारा ने। गांव गांव डाणी डाणी शहर शहर फिरकर पुसाराम गोदारा ने अपना प्रचार किया था। और प्रचार की बात नहीं करें, पिछले 10 सालों में जैसे पहले चुनाव में जब यहाँ पुसाराम जी पधारे थे उस समय लोगों का कहना था कि ये पैरासूट उम्मीदवार है और यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, चुनाव हारने के बाद में यहाँ टिकेंगे नहीं, यहाँ कोई दिखेगा नहीं। लेकिन पुसाराम गोदारा हार मानने वालों में से नहीं है। सुजानगढ़ तहसील की ऐसी शख्सियत जो आज पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में जान और पहचान की मोहताज नहीं है और पिछले 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद में आज तीसरा चुनाव पुसाराम जी ने 29,000 वोटों की लीड से जीता है, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। पुसाराम जी गोदारा की धर्मपत्नी और बिदासर प्रधान सुजानगढ़ रही प्रधान पूर्व प्रधान नानी देवी गोदारा हमारे साथ है। उनकी सुपुत्रियाँ पुत्रवधू और परिवार के तमाम लोग हमारी फैक्ट अंतर टीम के साथ है। सर्वप्रथम तो नानी देवी जी से हम बातचीत करेंगे। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत सगड़ा ने बधाई हो। 36 कौम ने ले एर सागे चालिया सगड़ी माँ के बिया की बिया सागेरी एर धन्यवाद है। सुजानगढ़ है जकी तो माँ के सागेरी रतनगढ़ी माँ के सागेरी 36 कौम सागेरी ना जरा सब काम सेठ बैठियो एर भगवान जनता सागेरी ना जिये जनता को काम कर सिया एर बीच में रह सिया कोई भजन कोई दौड़ान जनता बीच में रह सिया। मैं तो नानी देवी गोदारा ने स्पष्ट कर दिया है जनता के सागे रह सिया। मैं तो नानी देवी गोदारा ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 36 कौम के वोटों से जीते हैं और 36 कौम के लोग हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे और हम 36 कौम का काम करेंगे और 36 कौम को बधाई दी है और पूरा का पूरा श्रेय रतनगढ़ की 36 कौम के जनता को दिया है। और नानी देवी गोदारा ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे हारे या जीते भविष्य में भी हम रतनगढ़ की जनता की सेवा करेंगे। हम भागने वालों में से नहीं है, हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, हम कायर नहीं है, हम रणबंकूर हैं और रणबंक का बनकर के ही रतनगढ़ विधानसभा में हम लोग काम करेंगे। उनकी पुत्रियां भी हमारे साथ हैं। मेना जी हमारे साथ है, थोड़ा गजो। बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार आप सबको। सबसे पहले तो ये जीत हम सब की जीत है और रतनगढ़ की जनता को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 सालों से आज यहाँ पे कांग्रेस का विधायक बना है, तो रतनगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एग्जिट पोल में कोई भी लोकल पत्रकार पुसाराम जी की जीत का दावा नहीं कर रहा था। हमारे चैनल ने पुसाराम जी की जीत का दावा चुनाव के वोटिंग होने से पहले से हम लोगों ने किया। क्या रतनगढ़ की जनता का हम लोगों ने बातचीत की, कम से कम 4,000 लोगों से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद में हमने ये सर्वे जारी किया था कि पुसाराम गोदारा रतनगढ़ से चुनाव जीत करके जाएंगे और सरकार का भी हमने ये कहा था कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों हमारे जो सटीक जो एग्जिट पोल थे वो बिल्कुल सही बैठे हैं। तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप जीत का? जीत का श्रेय तो रतनगढ़ की जनता को है, ऑफकोर्स रतनगढ़ की जनता। और आज आपके पिताजी ने आखिरकार विधानसभा में पैर रखने का जो काम किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
लोगों ने देखा है 10 साल से वो फील्ड में एक्टिव थे, हारे या जीते लोगों के बीच बने रहे, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। बस आपका क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद, रतनगढ़ की जनता का, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले पुसाराम जी आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे और इसमें कोई दोरा ही नहीं है। और रतनगढ़ की जनता का ये जीत रतनगढ़ की जनता की हुई है और 35 साल से के बाद में आज रतनगढ़ पर कांग्रेस ने अपना विधानसभा क्षेत्र में परचम लहराया है, उसके लिए रतनगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से और गहराई से मैं आप सभी रतनगढ़ की जनता का धन्यवाद करती हूँ। पुसाराम जी गोदारा की इकलौती पुत्र वधू महेंद्र जी गोदारा की धर्मपत्नी हमारे साथ है और काफ़ी लंबे समय से सहनशील स्वभाव के कारण ये जानी भी जाती है। आए हुए मेहमानों की अवगत करने के मामले में नानी देवी गोदारा कभी पीछे नहीं रही और उनसे 2 कदम आगे महेंद्र जी गोदारा की पत्नी वो दिखाई देती है और पूरी सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा में ये बात भी चलती है कि दोनों सास और बहू का कॉम्बिनेशन इतना गजब है कि आए हुए मेहमानों का बड़ी ही आदर के साथ में अवगत की जाती है और भगवान इनको दीर्घायु बनाए। राम राम सर। राम राम सर। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए और धन्यवाद सबका। आपको कब पता चला कि पुसाराम जी जीतने वाले? हमें क्या 10:30-11 बजे मैंने जी ने सूचना दी या किसी और ने दी? नहीं नहीं, हमने तो मोबाइल से ही सूचना ऑनलाइन से, वहाँ पे एजेंट बैठे थे उन्होंने, रामसु गोदारा ने ज्यादा वोटों से वही आगे चल रहे थे, 3881 वोटों से स्टार्ट में ही कर्मचारियों के वोट डले थे उसी में आगे हो गए थे, तभी ऐसे आइडिया हो गया था कि कांग्रेस तो कर्मचारियों की तो कांग्रेस ही थी, फिर फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में फिर रतनगढ़ सिटी से लोगों ने आगे निकाल दिया तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम जीतेंगे, सिटी वालों ने आगे निकाल दिया तो फिर और ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया, राजेंद्र सर से, फिर छापर से, पड़ियारा से, सबसे, फिर बहुत ही अच्छी जीत हुई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सबका। ये एक इकलौता कैंडिडेट है पूरे राजस्थान का जिसने जब काउंटिंग शुरू हुई थी उस समय पहली लीड थी इनकी 3616 वोटों की, मैं लगातार कवरेज में था लाइव में और एक बार भी अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे अभिनेश महसी है, ASP से नरेश गोदारा थे, एक बार भी उनको काउंटिंग के अंदर आगे नाम आने नहीं दिया इन्होंने। ये उस समय ही श्योर हो गया था कि पुसाराम जी गोदारा जीतने वाले हैं चुनाव। और मैं बोल रही हूँ कि मेरे ससुर जी का जैसा नेचर है ना, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुजानगढ़ और रतनगढ़ जनता के साथ में तो अच्छे है ही हैं, उनके पुत्र वधू का कहना है कि पारिवारिक रिश्तों में भी पुसाराम जी है, एक नंबर का नेचर है उनका, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो आपके पीयर में और पुसाराम जी के ससुराल में क्या माहौल है? छोड़ के आई हूँ, ससुराल आई हूँ तो मुझे बिल्कुल वहाँ भी खुशियों का माहौल, बहुत ही कुछ वहाँ पे भी मुझे ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैं ससुराल पीयर छोड़ के ससुराल आई हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मैं माला सिंह ही हूँ। तो आप भी क्या आप राजनीति में उतरना चाहते हैं? हाँ, जनता उतारेगी तो क्यों नहीं उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। हमने नानी देवी गोदारा को भी प्रधान बनाया है। पुसाराम जी गोदारा के जिंदाबाद के नारे या पुसाराम जी घर पे लगते हुए और बड़ी खुशी के साथ में यहाँ ये दृश्य है वो चल रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस से बीकानेर शहर से ये पार्षद भी रह चुके हैं और पुसाराम जी गोदारा की बड़ी सुपुत्री जो बीकानेर विवाहित है उनकी सास और पुसाराम जी गोदारा की समधन हमारे साथ है। आप भी बड़ी दूरी करके वहाँ से तय करके आए हैं, क्या आपको पहले लग गया था कि हमारे समधन जी जीतने वाले हैं? बिल्कुल सर, हमें तो कॉन्फिडेंस पहले था जब से इनको टिकट मिली ना, ये इतनों ने जब से मतलब संघर्ष किया ना, जिस तरह से 10 सालों से संघर्ष किया पुसाराम जी ने, तो सॉलिड इनकी जीत थी, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि पुसाराम जी जीतेंगे। और उसके बाद में बराबर हमें सूचना मिलती रही मतलब यहाँ की रतनगढ़ की जनता से
कि पूछाराम जी के आप हर जो बंदा यहाँ से मतलब बिलोंग करता है जो मतलब यहाँ से, तो इन्होंने कहा आपके सगा जी आपके पूछाराम जी जीत रहे हैं, पूछाराम जी की इस बार जीत है, हम वहाँ इतने वोट दे के हम दे, तो बराबर नियंत्रण हमें पूरा विश्वास था रतनगढ़ की जनता पर कि पूछाराम जी को इस बार भारी मतों से विजय बनाएंगे इस बार रतनगढ़ की जनता। आप कांग्रेस से पार्षद रह चुके हैं, पूछाराम जी से ये रिश्ता होने के बाद में आप कांग्रेसी बने या पहले भी कांग्रेसी थे? जन्मजात कांग्रेसी थे। क्यों? मैं मिर्जा परिवार से हूँ। इसका मतलब पूछाराम जी ने जो भी, अच्छा मिर्जा परिवार से, जहाँ से पंचायती राज की स्थापना और आरंभ हुआ था वहाँ से, तो मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, इसमें कोई वो है ही नहीं किंतु परंतु, और तो मुझे कह ही नहीं सकते आप और कहीं से हो या पूछाराम जी के बाद में रिश्ते होने के बाद में आप कांग्रेसी बने, मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ। पूछाराम जी की पोती हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? नव्या। कैसा लग रहा है आपको दादा, आज जो मुकाम था उसको फतेह कर लिया, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे रतनगढ़ी जनता को? मैं रतनगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और हम बीजेपी की तरह नहीं है जो पीठ दिखाकर भाग जाएंगे जीतने के बाद। पूछाराम जी की पोती ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, हम यही रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। यदि मुझे मौका मिला तो मैं भी आगामी जीवन में रतनगढ़ की जो जनता है उसकी सेवा करने का जरूर अवसर है वो खोने नहीं दूंगी, जब भी मौका मिलेगा तो मैं तत्परता से तैयार रहूंगी। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे फैक्ट अंतर, जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं रमाकांत शर्मा कानू था, जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू।